अफसोस दोस्तों, अधूरे सपनों का अफसोस एक ऐसा दर्द है जिसकी तुलना में हर दर्द छोटा पड़ जाता है, और इस अफसोस और पछतावे की अग्नि सारी उम्र इंसान की अंतरात्मा को दिन रात कचोटती रहती है कि काश एक बार तो रिस्क लिया होता, काश फेलियर से डरा ना होता, काश समय रहते एक कोशिश या फिर एक और कोशिश की होती तो शायद जिंदगी कुछ और ही होती। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान सपने देखता है, लेकिन सभी के सपने पूरे नहीं हो पाते, कभी अपने कारण, कभी अपनों के कारण, और कभी इस दुनिया के कारण। कम उम्र में बड़ों की बंदिश की अभी तुम छोटे हो, इतने बड़े सपने मत देखो, और बड़े होने पर घर परिवार की जिम्मेदारियां आपकी बेड़ियां बनकर कुछ भी बड़ा करने या कोई बड़ा रिस्क लेने से हमेशा आपको रोक देती हैं, और फिर धीरे धीरे समय के साथ सपनों पर जमती धूल की मोटी चादर में आपके सपने कहाँ गुम हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और आप जीने लगते हैं वो आम जिंदगी जो आप कभी जीना ही नहीं चाहते थे, और अपनी परिस्थितियों से समझौता कर आप चलते चले जाते हैं उन रास्तों पर जिन पर आप कभी चलना ही नहीं चाहते, और आपके पास रह जाते हैं काश और अगर जैसे ये दो शब्द, और साथ में केवल अफसोस और पछतावे का दर्द, और लगता है कि बस अब तो यही है जिंदगी। लेकिन कौन है इन परिस्थितियों का जिम्मेदार? क्या वो लोग जो कम उम्र होने पर कहते हैं कि बड़े होने का इंतजार करो, और बड़े होने पर कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को समझो, और फिर कहते हैं कि अब तुम्हारी उम्र नहीं रही नए ख्वाब देखने की, कुछ नया करने की, कोई नया रिस्क उठाने की। दोस्तों, दुनिया की भीड़ वही कहेगी, वही करेगी जो इसका काम है, लेकिन आपके सपने केवल आपके हैं। इनके अधूरे रह जाने पर अफसोस भीड़ को नहीं, केवल आपको होगा। आप 15 साल के हों या 25 के, 55 के या 85 साल के, या फिर इससे भी बड़ी उम्र के, उम्र कोई भी हो, लेकिन सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, और सपने किसी भी उम्र में देखे जा सकते हैं, और इतिहास गवाह है कि सपने किसी भी उम्र में पूरे भी किए जा सकते हैं। दोस्तों, जहां ये दुनिया की भीड़ हमें उम्र और जिम्मेदारियों का हवाला देकर रोकती है, डराती है, वहीं इसी दुनिया में से ही कुछ चेहरे बनाते हैं भीड़ से हटकर अपनी एक अलग पहचान, और सिखाते हैं हम सबको कि अगर आप ठान लो तो सब कुछ संभव है। उम्र परेशानियां, परिस्थितियां और फेलियर्स देखकर रास्ते बदलने हैं या रास्ते बनाने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है, फिर भले ही आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो। अगर आप में इच्छा है, हिम्मत है, और साथ में है संकल्प शक्ति, तो फिर आप कर सकते हैं हर मैदान फतेह। ये मायने नहीं रखता कि कोशिश करने की क्या उम्र होनी चाहिए, ये भी मायने नहीं रखता कि मजबूरियों के साथ चलते चलते आप गलत दिशा में कितनी दूर निकल आए, बल्कि मायने ये रखता है कि गलती का एहसास होते ही आप कितनी जल्दी सही दिशा की ओर मुड़ जाते हैं और एक सच्ची कोशिश करते हैं अपने सपनों की ओर। और दोस्तों, बाकी रही उम्र की बात, तो इस दुनिया में ना तो सपने देखने की कोई उम्र होती है और ना ही सपनों को पूरा करने की। याद रखिए, जब तक आपके सीने में दिल धड़क रहा है तब तक आप सपने देख सकते हैं। हमारी इसी दुनिया में ऐसे लाखों एग्जांपल्स हैं, ऐसे लाखों उदाहरण हैं जहां 5 साल की उम्र से लेकर 100 साल से भी ज्यादा उम्र के लोग सपने देखते भी हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, जिनमें परिवार की जिम्मेदारियों वाले ऐसे लोग भी हैं जो अपने सपनों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। हमारे इसी दुनिया में 5 साल की उम्र के हैकर, 6 साल की उम्र के तबला मास्टर, 7 साल की उम्र के प्रोग्रामर भी हैं। और इसी दुनिया में जहां 1 और 13 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सबमिट करने वाले टैलेंट है, तो वहीं 76 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सबमिट करने वाले जवान भी हैं। हमारे इसी दुनिया में 14 साल की उम्र में पायलट बनने वाला स्कूली छात्र भी है, और वहीं 86 साल की उम्र में पायलट बनने वाले दादाजी भी। हमारे इसी दुनिया में 17 साल की उम्र में बनने वाले डॉक्टर भी हैं, और 41 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू करने वाले बोमन ईरानी भी। 15 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देने वाले सचिन जैसे महान प्लेयर भी हैं, और 85 साल के बॉडी बिल्डर भी। इसी दुनिया में 10-12 साल के CEO भी हैं, और 65 साल की उम्र में शुरुआत कर दुनिया भर में छा जाने वाले ब्रांड KFC के फाउंडर भी। दोस्तों, ये सभी एग्जाम्पल्स हमें सिखाते हैं कि उम्र केवल एक नंबर मात्र है और परेशानियां, परिस्थितियां जीवन का एक हिस्सा। सपने देखने की और पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप सपने देख सकते हैं तो पूरे भी कर सकते हैं। अपने सपनों का गला मत घोटिए, क्योंकि आज आपने इनका गला घोट दिया तो जिंदगी भर आप घुटते रहेंगे इसी अफसोस में कि काश कोशिश तो की होती, क्योंकि लाखों सपने तो केवल इसीलिए मर जाते हैं कि इंसान कोशिश ही नहीं करता। कभी उम्र आड़े आ जाती है तो कभी जिम्मेदारियां। तो यार, ये सब चीजें तो जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर ये सब ना हो तो इस संसार में सभी कामयाब हो जाएं।
तो आप भी उम्र और जिम्मेदारी की बेड़ियों को अपने जीवन में खुद के अफसोस की वजह मत बनने दीजिए और दिल से अपने सपनों के लिए एक सच्ची कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि जहां चाहत होती है वहां रास्ते निकल ही आते हैं। और किसे पता आपकी कौन सी कोशिश से आपके सभी सपने भी पूरे हो जाएं। और मान लो कुछ भी हाथ ना लगा तो कम से कम कोशिश भी नहीं की ये सोचकर आपको ये काश और अगर जैसे शब्दों के साथ जीते हुए सारी उम्र अफसोस तो नहीं करना पड़ेगा। जरूरी ये नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। दोस्तों, आप भी जरूर कुछ ऐसे नाम जानते होंगे जो ये साबित कर चुके हों कि सपने हर उम्र में देखे भी जा सकते हैं और हर उम्र में पूरे भी किए जा सकते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन को दबाने में कंजूसी मत करना यार। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत पता चल जाए तो सब्सक्राइब और बेल के बटन के साथ क्या करना है ये सब तो आपको मालूम ही है। तो खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए, और मोटिवेशन के डेली डोज के लिए जीवीजी मोटिवेशन पर हर रोज आते रहिए। धन्यवाद। कर ले पूरे ख्वाब तू, अफसोस ना कोई रहे, काम दुनिया का है कहना, कहने दे कहती रहे, ना फिक्र कर तू उम्र की, ना जिक्र इनके कहने का, दिल जवां तो सब जवां बिंदास बन के रहने का, रुख हवाओं का बदल दे क्यों हवा संग बहने का, उम्र भर कोशिश न की अफसोस क्यों ये सहने का, कर ले पूरे ख्वाब तू अफसोस ना कोई रहे, काम दुनिया का है कहना, कहने दे कहती रहे।